डिजिटल में हम लोग फीलिंग ऑब्वियसली पॉजिटिव है, डिजिटल में हम लोग स्ट्रांग रहे हैं, हमारा अपर हैंड रहा है डिजिटल में, डिजिटल में हम लोग टॉप 5 रहे हैं, वोट पे हम लोग नंबर 2 रहे हैं, सो इट्स ऑलवेज पॉजिटिव फ्रॉम आर साइड। एंड अभी जाने के बाद हम अचीव करना चाहेंगे नंबर 1 पोजिशन ऑन वोट, वो इंशाल्लाह हम लोग जल्दी रीच भी वो मिल जाएगी हमें, हम बस उसी दिन का वेट कर रहे हैं कब हम वोट पे नंबर हों। ऑनेस्टली मैं बहुत पॉजिटिव थी इस बात पे लेके, बिकॉज यू सी हमारा फाइनाइट शो था, सो हमें जितना वक्त देना था टीवी पे हमने अपना दिया है, बट उसके बाद हमें यू नो कुछ वक्त और डिजिटली मिल रहा है, सो दैट्स लाइक ब्राउनी पॉइंट। हमें बहुत सारा प्यार मिला है, इसलिए यू नो द चैनल डज नॉट वांट टू लेट गो ऑफ आवर शो, सो मैं तो बहुत पॉजिटिव थी इस बात को लेकर, सो एक्साइटेड। तो हम जितना कर सकते हैं सही मैसेज देकर, सही तरह के शोज कर एंड सही चीज़ें प्रमोट कर, आई गेस हम वो हमेशा कोशिश करेंगे करने। हम कलर्स पे अभी भी चल रहे होते हैं, बट कलर्स का हमने टाइम रेस्पेक्टिवली हमने पूरा किया और अब OTT पे पहुंच गए हैं, वोट पे पहुंच गए हैं, तो आई थिंक कुछ सोच समझ के उन्होंने हमें वोट पे डाला होगा। मोड में आ जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सेट पे अलग हूँ या मतलब बाहर अलग हूँ, हाँ मतलब मैं एक हाँ ऐसे जोन में नहीं होता, जोन में तब आता हूँ जब मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सीन है कुछ ऐसा है, तो मैं वो जोन में अपने आप मेंटेन कर लेता हूँ, बबल मेंटेन कर लेता हूँ, फिर मैं उसी में रहता हूँ। टीवी की ऑडियंस है वो हमेशा टीवी पे भी जुड़ी रहेगी, पर एज यू नो मुझे नहीं ऐसा लगता दैट हर चीज़ बदल जाएगी, जो जिसकी ऑडियंस है वो हमेशा जुड़ी रहेगी। जैसे मेरी माँ आज भी मूवी नहीं शायद से टीवी देखती है, और यू नो मेरे जो पापा है वो शायद सीरियल छोड़ के आज भी OTT पे ही कुछ यू नो शोज, सो यू नो इट्स जस्ट द ऑडियंस जो हमेशा रहेगी। वेल यूथ फॉलो करती तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम यू नो सही चीज़ें पोर्ट्रे करें, सही सीख दे आने वाली यूथ को। कीप ऑन वॉचिंग फना इश्कुमार जामा वोट पे एक्सक्लूसिवली, तो इसको देखना ना भूलें हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे, और बताइए कैसा लगा आपको शो।